क्रमांक 6 उत्तम शिक्षा भाग 2। प्यारे बच्चों, ये गांधी जी के खत का ही दूसरा हिस्सा है। देखिए और सुनिए कि गांधी जी आगे अपने बेटे से क्या कह रहे हैं। बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। गांधी जी अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सत्य, अहिंसा तथा संयम, इन गुणों को अपने आचरण में लाना चाहिए। यानी प्रत्येक यानी हर बच्चे को सत्य, अहिंसा तथा संयम, सत्य यानी सच्चाई, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद और संयम यानी सब्र, इन गुणों को अपने आचरण यानी किरदार में लाना चाहिए। ऐसा करते समय उसे आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। यानी ऐसा करते वक्त उसे खुशी का एहसास होना चाहिए। जब मैं तुमसे भी उम्र में छोटा था, तब मुझे अपने पिताजी की सेवा शुश्रूषा करते समय बहुत आनंद आता था। गांधी जी आगे कह रहे हैं कि जब मैं तुमसे भी उम्र में छोटा था, तब मुझे अपने पिता यानी अपने वालिद की सेवा शुश्रूषा यानी खिदमत करते समय बहुत खुशी होती थी। भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा यानी मादी और आरामदेह चीजों के मुकाबले तुम अगर इन तीनों गुणों को अपने आचरण में लाओगे तो मेरी दृष्टि से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। यानी इन तीनों खूबियों को अपने अंदर अपने किरदार में लाओगे तो मेरी नजर में, दृष्टि यानी नजर में, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। इन त्रिगुणों के बलबूते तुम दुनिया में कहीं भी अपना पेट पाल सकोगे। गांधी जी अपने बेटे से कह रहे हैं कि इन त्रिगुणों यानी तीनों खूबियों के बलबूते तुम दुनिया में कहीं भी अपना पेट पाल सकते हो, जिंदगी गुजार सकते हो। जो शिक्षा प्राप्त करनी है वो दूसरों के काम आए, जो भी तालीम हासिल कर रहे हो वो दूसरों के काम आनी चाहिए। अपनी शिक्षा में गणित और संस्कृत की ओर अधिक ध्यान दो। यानी अपनी तालीम के अंदर गणित यानी रियाजी और संस्कृत की ओर ज्यादा ध्यान दो। तुम्हें संस्कृत की बहुत आवश्यकता है, यानी तुम्हें संस्कृत की बहुत जरूरत है। आगे चलकर इन दो विषयों की पढ़ाई करना कठिन हो जाता है। यानी आगे चलकर इन दोनों मजामीन की पढ़ाई करना कठिन यानी मुश्किल हो जाता है। आगे वो लिखते हैं कि संगीत के प्रति लापरवाही मत बरतो, यानी मौसिकी के प्रति लापरवाही मत बरतो। हिंदी भाषा यानी हिंदी मजमून के गीतों को एक कॉपी में सुंदर सुडौल अक्षरों में लिखो, यानी एक बयाज में साफ और खुशखत अल्फाजों में लिखो। ये संग्रह जखीरा वर्ष के अंत में बहुत लाभदायी यानी बहुत फायदेमंद, मूल्यवान होगा, कीमती होगा। आखिर में लिखते हैं बापू के आशीर्वाद यानी बापू की दुआएं।